गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम नमिता गुप्ता, पीजीटी केमिस्ट्री फ्रॉम सूरज स्कूल. डिस्कस अ न्यू टॉपिक इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 16 ग्रुप. टुडे आई विल डिस्कस स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज हाइड्राइड्स. फर्स्टली आई विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर व्हेन वी विल कंसीडर वेस्पर थ्योरी. So according to that we can understand oxygen show lone pair repulsion and oxygen hydrogen show lone pair bond pair repulsion and OH OH bond will show bond pair repulsion and because of that lone pair repulsion its hybridization will be sp3 and its shape will be बैंड. तो स्टूडेंट्स यहां पे जितने भी हाइड्राइड्स हैं 16 ग्रुप के सबकी शेप बैंड शेप होगी, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी बिकॉज ऑफ सेम अरेंजमेंट. लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, इनके स्ट्रक्चर्स में इनका जो बॉन्ड एंगल है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो जाएगा. और वो कंटिन्यूअसली चेंज क्यों हो जाएगा यही हमें एनालाइज करना है कि टॉप टू बॉटम जाने पर ये जो बॉन्ड एंगल है ये बढ़ेगा या घटेगा. और इसके लिए मैं आपको तीन बातें बताऊंगी. तो फर्स्टली यहां पे हमें वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर रिपल्शन इसकी डोमिनेंसी सबसे ज्यादा होती है, एनालाइज करनी है. लोन पेयर बॉन्ड पेयर इसका रिपल्शन सेकेंड हो जाता है और सबसे लीस्ट रिपल्शन शो करता है बॉन्ड पेयर. सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स यहां पर होता है अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एंगल मेजर करने के लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम. जो आपका सेंट्रल एटम है वो कितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और अगर वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो लोन पेयर डोमिनेंसी विल बी मोर और लेस. तो लोन पेयर की जो डोमिनेंसी है ऑन सेंट्रल एटम, तो जो लोन पेयर की डोमिनेंसी है सेंट्रल एटम पर वो ज्यादा होगी या कम होगी ये हमें एनालाइज करना होगा. और यही तीन फैक्टर हमें ये एनालाइज कराएंगे कि टॉप टू बॉटम जाने पर बॉन्ड एंगल किसी भी हाइड्राइड के लिए बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा. तो स्टूडेंट्स एक बार इसको एनालाइज कर लेते हैं. जैसा कि आपको ये पॉइंट मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, फ्रॉम गोइंग टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज मीन्स सेलेनियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में. और अगर ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो सोचिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव टर्म लोन पेयर नेचर में कैसा होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव. इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म को सेंट्रल एटम कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव. लोन पेयर कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव. और प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या शो करेंगे, एक दूसरे को शो करेंगे अट्रैक्शन. तो क्या ये लोन पेयर को अपने सेंट्रल एटम से रिपेल कर पाएगा, नहीं, ये क्या करेगा इसे अट्रैक्ट. और जस्ट अपोजिट टू इट ऑक्सीजन नेचर में कैसा है स्टूडेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. और अगर ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लोन पेयर भी कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल. एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल. और अगर सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही है, इन दोनों के बीच में अगर रिपल्शन फोर्स लगे तो डोमिनेंसी ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम विल बी लेस. डोमिनेंसी ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम विल बी लेस. और अगर ये डोमिनेंसी
कम हो गई। तो हम यहां से देख सकते हैं ये फर्स्ट फैक्टर और सेकंड फैक्टर दोनों रिसेसिव हो जाएंगे, दोनों कम हो जाएंगे और इस केस में हमारी डोमिनेंसी हो जाएगी बॉन्ड पेयर की। तो इसी वजह से हम यहां बोल सकते हैं हमारा ये पॉइंट एनालाइज हो सकता है कि सेंट्रल एटम, इफ सेंट्रल एटम विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड एंगल विल बी मोर। तो उस केस में स्टूडेंट्स हमारा बॉन्ड एंगल कैसा हो जाएगा? ज्यादा, क्योंकि लोन पेयर की डोमिनेंसी सेंट्रल एटम पर कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप ये पॉइंट समझ पा रहे होंगे कि टॉप टू बॉटम जाने पर 16 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटती है और अगर किसी भी ग्रुप की टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगी तो आप ये बात एनालाइज कर सकते हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटने की वजह से डोमिनेंसी ऑफ लोन पेयर बढ़ेगी और डोमिनेंसी ऑफ लोन पेयर बढ़ने की वजह से लोन पेयर एज वेल एज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा। तो होप सो स्टूडेंट ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स में टॉप टू बॉटम जाने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए, फ्रॉम गोइंग टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज, देयरफॉर बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज, बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज। तो होप सो स्टूडेंट ये पॉइंट आपको क्लियर है, हाइड्राइड्स की टॉप टू बॉटम जाने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीमेंट क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में हम कंसीडर करेंगे, बॉलिंग पॉइंट, हेडिंग डालिए बॉलिंग पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बॉलिंग पॉइंट के लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स यहां पर वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा और अगर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो स्टूडेंट्स हम ये समझ सकते हैं वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के काम आता है वो भी बढ़ेगा। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, फ्रॉम गोइंग टॉप टू बॉटम वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन इंक्रीज एंड वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉलिंग पॉइंट। और इसी बेस पर हम बॉलिंग पॉइंट का एक नया लॉजिक भी एनालाइज कर सकते हैं, बॉलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास ऑफ दैट केमिकल, टॉप टू बॉटम जाने पर मॉलिकुलर मास केमिकल का बढ़ेगा, बॉलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बट स्टूडेंट यू नो वाटर इसका बहुत बड़ा एक्सेप्शनल केस बनेगा बिकॉज वी नो वाटर कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं ना कहीं हम ये बात एनालाइज कर सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, वॉन्डरवॉल फोर्स के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है, दैट्स व्हाई वाटर इसका एक्सेप्शनल केस हो जाएगा। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर शो हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द अदर। तो यहां पे आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, वाटर को छोड़कर टॉप टू बॉटम जाने पर वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, मॉलिकुलर मास बढ़ रहा है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वाटर को हम अगर हटा देते हैं H2S H2CE तो वाटर क्यों हट गया, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे ज्यादा हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। तो होप्स
स्टूडेंट आपको बॉलिंग पॉइंट का ये लॉजिक क्लियर हो गया है। अब इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, वो आप एनालाइज कर सकते हो। वाटर फाउंड इन लिक्विड स्टेट बट H2S फाउंड इन गैसियस स्टेट, व्हाई? तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर फाउंड इन लिक्विड स्टेट बट H2S नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई एज यूजुअल इट विल फाउंड इन गैसियस स्टेट। तो होप सो स्टूडेंट ये पॉइंट हम सबको समझ में आ रहा है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर ने किस तरह से एनामोलस बिहेवियर शो किया। अब इसी में एक लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो भी आप जल्दी से एनालाइज कर लीजिए। इसी के रिगार्डिंग एक छोटा सा क्वेश्चन है जो बोर्ड में आपको मिलेगा। H2O मोनोप्रोटिक व्हाइल H2S इज डाइप्रोटिक, व्हाई? तो फर्स्टली प्रोटिक मींस H आयन डोनर, मींस वाटर केवल एक H आयन देगा जबकि H2S दो H आयन देगा, क्यों? तो स्टूडेंट्स आप इसकी रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले H2O नॉर्मली आप सबने ये बात एनालाइज करी होगी, एट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर जब ब्रेक डाउन होता है तो इट विल बी फॉर्म H आयन एंड OH आयन, इट विल बी फॉर्म H आयन एंड OH आयन। तो यहां पर हम ये बात एनालाइज कर सकते हैं, अगर H2S को आप डिसोसिएट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट विल बी शो कंप्लीट डिसोसिएशन। तो यहां पे वाटर एक ही H आयन दे पा रहा है, दूसरा H आयन नहीं दे पा रहा, जबकि H2S अपने दोनों H आयन दे पा रहा है, क्यों? तो यहां पे आप सिंपल सा टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस एनालाइज कर सकते हैं। ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन इज मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, बोथ विल बी शो स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीविंग टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन विल बी डिफिकल्ट, व्हाइल हेयर आफ्टर द फर्स्ट डिसोसिएशन वी कैन अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ इंटरमीडिएट आयन विल फॉर्म एंड हेयर सल्फर विल बी इलेक्ट्रो पॉजिटिव, हाइड्रोजन विल बी इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कंपैरेटिवली टू OH माइनस आयन हेयर विल बी लेस। इस केस के कंपैरिजन में HS माइनस में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है, और अगर यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है तो हम यहां बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, और अगर यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इजीली अप्लाई अवेलेबल हो पाएगी और HS नेगेटिव इजीली ब्रेक डाउन होकर एच आयन दे पाएगा फर्दर। तो यहां पे मेन कीवर्ड आपका स्टूडेंट्स आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपैरेटिवली टू दैट सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की ही वजह से फर्स्ट बॉन्ड इसका ब्रेक हो गया लेकिन सेकेंड नहीं हो पा रहा है, इसके दोनों बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएंगे। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 16 ग्रुप। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 17 ग्रुप। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।